हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिलाषा है और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे ज़ीरो कॉस्ट टिप्स लेकर के आई हूँ, जिनके छोटे छोटे से यूज़ करके आप बहुत ही पैसे और अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टिप मेरा इन चूड़ियों को लेकर के है। तो यहाँ पर मैंने पुरानी चूड़ी ली है अपनी, आप सभी के पास भी पुरानी चूड़ियाँ तो होंगी ही, और साथ में लेना है हमको रिबन या लेस। तो मेरे पास ये जो लेस थी वो थोड़ा सा मैच नहीं कर रही थी और उसका फैब्रिक भी टाइट, जो भी मतलब थोड़ा सा कड़ा सा था उसका फैब्रिक, तो वो फोल्ड नहीं होती। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये गोल्डन कलर का एक कपड़ा और उसको रिबन की तरह पतला सा काट लिया है, जितनी की रिबन की एक चौड़ाई होती है। और इस तरह से मैंने उसके दो पीस किए हैं और अब मैं चूड़ियों में ऐसे करके एक नॉट जैसी बांध लूँगी। फ्रेंड्स, इसमें हमको मेटल की चूड़ियाँ यूज़ करना है, मेटल या जो वो सीप वाला फैब आता है ना, एक सीप की चूड़ियाँ आती हैं, उस तरह की चूड़ियाँ यूज़ करना है। कोशिश करें कि इसमें कांच की चूड़ियाँ यूज़ ना करें। और ऐसे दोनों ही साइड से नॉट बांधने के बाद मैंने इसमें मिरर लगा दिए हैं ग्लू गन की हेल्प से, और ये बहुत ही बढ़िया एक हमारा ऑर्गेनाइज़र ज़ीरो कॉस्ट में बन करके तैयार हो गया। अब मैं इसका यूज़ आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसका यूज़ किया है कर्टन के लिए। तो यहाँ मैंने कर्टन को अपने होल्ड करने के लिए ये बनाई है एक कर्टन टाई, और कितनी सुंदर लग रही है आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और तो ज़ीरो कॉस्ट में ही ये बन गया है। दूसरी टिप मेरी ये इस तरह के ओडोनिल को लेकर के है, जो कि हम बाथरूम में हैंग करते हैं खुशबू लाने के लिए, और इसको कवर्ड में भी कपड़ों के साथ में इसको हैंग कर देते हैं, जिससे कि हमारी कवर्ड में अच्छी सी खुशबू बनी रहे। तो ये ख़त्म हो गया है और हम तुरंत तो अब मार्केट नहीं जा सकते ना ख़रीदने के लिए। तो अब इसके लिए भी मैं एक बहुत ही अच्छी टिप आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको लेना है कपूर। तो इस मेरे पास इस तरह से ये बड़े बड़े से पीसेस में कपूर है, और इसकी टिकियाँ भी आती है, गोलियाँ जैसी आती हैं जो पूजा में आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो ले लेना है। अगर आपके पास कैसा भी जैसे इस तरह से बड़े से पीसेस में हो तो वो इस्तेमाल कर लीजिए, या छोटी सी टिकियाँ, और बस इसमें रख करके इसको बंद कर देना है। थोड़े से इसके जो होल होते हैं उनको खुला रखना है, जिससे कि हमारे बाथरूम में अच्छी सी खुशबू आ सके। तीसरी टिप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के जो ग्रॉसरी में बैग्स आते हैं कॉटन वाले, तो उसको मैं कट कर रही हूँ। दोनों साइड से इसको कट करके मुझे एक पाउच जैसा चाहिए था, तो मैंने उसको उसी के हिसाब से कट किया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बैग था तो इसको मुझे बीच से और भी कट लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था। तो इसको डालने के लिए मैंने यूज़ की है नेथनिन बॉल्स, जो कि हम अपने जो सर्दियों के कपड़े होते हैं या जो बड़े बड़े से बक्सों में कपड़े वगैरह रखे होते हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए, और हम जो नेथनिल बॉल्स यूज़ करते हैं ना, उसको ही मैंने इसमें लिया है और इस तरह से लपेट करके एक रबर बैंड से लगा दी है। और अब मैं इसका यूज़ करूँगी बाथरूम में फ्लश टैंक में। इससे जब भी आप फ्लश करेंगे तो जो नेथनिल बॉल्स की जो खुशबू होती है वो हर बार फ्लश करने में आपके बाथरूम को महका देगी। जो अगला हैक मेरा है वो भी उसमें भी मैं उसी ग्रॉसरी बैग का यूज़ कर रही हूँ, और इसमें इस बार मैंने यूज़ किया है कपूर को। कपूर के गुण के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कपूर की खुशबू से मच्छर नहीं आते और घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है। तो इस तरह से कपूर की एक टिकिया को मैंने इसमें लपेट करके बेड के सिरहाने पर रख दिया है, जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहेगी। तो आप इसको भी ट्राई ज़रूर से कीजिए। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको इन सभी टिप्स में कोई भी टिप अगर ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली टिप मेरी इस तरह के जिपलॉक बैग्स को लेकर के है। तो जब सब्जियां हमारे घर में बहुत सारी आ जाती हैं और उनको लंबे समय तक स्टोर करना एक चैलेंज हो जाता है, तो इस तरह के जिपलॉक बैग जो आते हैं हमारे घरों में नमकीन में साल्ट वगैरह में, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए। तो मैंने इसमें धनिया रख दी है और जो भी हरी सब्जियां हैं इसमें ही लपेट करके रखूंगी, और मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि पूरे हफ्ते तक
ये सब्ज़ियाँ कैसे एकदम ताज़ा ही बनी रहेंगी। तो इस तरह के जो ज़िपलॉक बैग्स हैं उनको फेंकिए मत और अपनी सब्ज़ियों को रखने में आप उनका इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये धनिया पूरे हफ्ते भर की हो गई है और कितनी ताज़ा है अभी भी। नेक्स्ट टिप मेरी ये इस तरह के सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि व्रत चल रहे हैं तो व्रत में आप जब पकौड़ियाँ बनाते हो और इस तरह से हाथ कितना गंदा हो जाता है, और आपको अब करछुल को भी पकड़ना है पकौड़ियाँ सेकने के लिए। तो अब पकौड़ी डालने के लिए जो टिप मैं आपको बता रही हूँ उसमें यूज़ कीजिए इस तरह से फोक का। इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ आप डाल सकते हैं अच्छी तरीके से, और आपका हाथ भी बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और देखिए कितनी बढ़िया हमारी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। नेक्स्ट टिप है इस तरीके के जो चिमटा जो आता है हमारा आगे की तरफ से, ये चौड़ा होता है और बहुत ही फैला होता है, तो इसको टाई करने के लिए, और देखिए इस तरह से मैंने यूज़ किया है सेलो टेप का ये खाली रोल। तो देखिए इस तरह से आप ड्रॉर में रख सकते हैं या कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं, और अगर हैंग करना चाहते हैं तो एक और जुगाड़ लगाइए, एक रबर बैंड लीजिए और उसको इस तरीके से इसमें फंसा करके और आप इसको कहीं पर भी टांग सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसको टांग सकते हैं, और छोटे छोटे सी चीज़ों से आप अपने घर में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं और घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।